Zombie Apocalypse. तो गाइस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। यह है ईवो वर्ल्ड पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दो स्किन्स निकाल के बताई थी, सेम ट्रिक से आज मैं दूसरी भी स्किन्स निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायमंड क्लेम कर लेता हूँ अपने, और जैसे कि हर ट्रिक में होता है आईडी को आपको पहले डिफ़ॉल्ट कर लेना है। डिफ़ॉल्ट मीन्स आपको करेक्टर कोई सा भी पुराना करेक्टर ले लेना है, ओल्ड करेक्टर, और हाथ से गन स्किन हटा दी है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर मैंने मेल करेक्टर ले लिया और स्कार हटा दिए। फटाफट से मैं अपना इवेंट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इवेंट क्या है। एक बार मैं फिर से इवेंट की डिटेल्स देता हूँ। यहाँ पे हमें चार ही वो स्किन्स देखने को मिल रही है, MP40, UMP, स्कार और एग्जामेट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पिन 20 का है और 10 स्पिन 180 डायमंड्स के हैं। दो गन स्किन्स मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ, उसके बदले में यहाँ पे 100 टोकन्स लिखा आ रहा है। यानी कि अगर ये गन्स हमें रिपीटेड मिलती हैं तो हमें एक गन नहीं बल्कि उसके टोकन्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छा है बात है ये कि हमें लेवल अप करने के लिए टोकन्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको प्राइस पूल में एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे MP40 और UMP मेरे लिए बची हुई है प्राइस पूल में निकालने को, इसके बदले में 100 टोकन्स आ चुके हैं और बाकी कुछ सामान ऐसे कुछ खास है नहीं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 स्पिन्स में गारंटेड है यहाँ पे एक ईवो गन निकलना, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 30 से 25 स्पिन में एक निकल जाएगी, अप्रॉक्स 500 या फिर 600 डायमंड में एक आराम से निकल सकती है। आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं मैंने निकाली हुई है एग्जामेट 180 के स्पिन में और 20 के स्पिन में स्कार निकली है। डायमंड्स आप काउंट कर सकते हैं एंड टाइम भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, लाइव प्रूफ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको निकाल के बताऊँगा MP40। स्पिन करते हैं 10 का, देखते हैं क्या है आएगा। स्पिन करने का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 20-20 के 3 स्पिन करने हैं और 180 का फिर एक स्पिन करना है, इससे लक चांस थोड़ा हाई होता है। तब मैंने यहाँ पे 180 का कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 20 के 3 स्पिन करने जा रहा हूँ, देखते क्या मिलता है। और यहाँ पर हमें 7 ड्रॉप मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्पिन की तरफ। सीक्रेट क्लू मिला है हमें यहाँ पे एक और। सो अब मैं 10 का स्पिन करूँगा, अभी मेरा लक बढ़ चुका होएगा। डायमंड काउंट करते रहिएगा कितने खर्च हो चुके हैं, हिस्ट्री में भी देख लो आप, और देखते क्या निकलता है इस बारी में। सो गाइस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ईवो एग्जामेट मेरे को रिटर्न मिल चुकी है 100 टोकन्स के साथ में। 500 डायमंड्स में मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि ये स्किन निकल रही है। हिस्ट्री में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने कितने स्पिन्स किए हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है ना मैंने ये वीडियो कट करी है, एज इट इज़ चल रही है, रियल है बिल्कुल। 500 डायमंड्स मैंने ईवो एग्जामेट निकाल के दिखाई है। तो आगे चलते हैं ईवो MP14 ईवो UMP की तरफ, उन्हें भी निकालने की ट्राई करेंगे। अभी मेरे पे 1000 समथिंग डायमंड्स हैं तो इन्हें भी मैं पूरे इन्वेस्ट कर दूंगा इस इवेंट में। आगे स्पिन करते हैं 20 का, और यहाँ पे मेरे को स्कार की क्रेट निकली है। अभी तक मैंने इस इवेंट से 1500 डायमंड्स में 3 ईवो स्किन्स निकाली है। मुझे नहीं लगता अभी इतनी आसानी से अगली मिलेगी क्योंकि गरीना वाले इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी मैं स्पिन्स करता हूँ, देखते हैं कितने स्पिन्स में निकलेगी। मैं ट्रिक को अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट 10 का स्पिन करूँगा। जैसे आपके आपको पता है 20 के 3 स्पिन्स करनी है, फिर 10 का एक स्पिन करना है। सो गाइस ये जो इवेंट है 4 मई तक लास्ट रहेगा। अगर तब तक आपके पास 400 या फिर 500 डायमंड्स भी हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा इवेंट है, सस्ते में निकल रहा है। फेडेड व्हील जाता है उसमें 1100 डायमंड्स में कंफर्म निकलती है कीवो स्किन, और यहाँ पे 1100 में लगभग 2 स्किन्स यहाँ पे निकल रही हैं। तो इस बार 10 के स्पिन में मेरा कुछ नहीं निकला, तो 20 का मैं स्पिन करूँगा। और नीचे यहाँ पर लक्की स्पिन भी देखते जाना कितने हो रहे हैं। अभी मैंने 20 का किया है, इसके बाद 20 स्पिन्स बचे हुए हैं मेरे ईवो स्किन को निकलने के लिए। शायद उससे पहले ही निकल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़े से डायमंड मेरे बच जाएंगे। यहाँ पे मेरी स्कार की क्रेट निकली है, आगे देखते हैं क्या क्या निकलता है। लास्ट 10 स्पिन्स बचे हैं गाइस, इसमें तो कन्फर्म निकलना ही है। अब देखते हैं कौन सी स्किन निकलेगी। क्या लगता है गाइज आपको, MP40 निकलेगी या फिर UMP? अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करें और बताएं MP40 या फिर UMP। देखते हैं क्या निकलता है।
सो गाइस यहाँ पे मैं लास्ट स्पिन करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर लेता हूँ प्राइस पूल खोल के, देखते हैं कौन सी गन निकलेगी। तो गाइस फाइनली मेरे हाथ में लग चुकी है ईवो MP40। अब मैं ईवो UMP और इसके टोकन्स निकालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय।